हेलो। यस सर, यस सर, मैम हेलो। यस सर, यस स्टार्ट कीजिए। यस सर, ओके ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप किया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिलअप किया। अब आया बारी क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स की। ठीक है, उसमें हम लोग को लास्ट एग्जाम नेम, लास्ट एग्जाम नेम क्या है। इसे अभी अगर आपने आपको एसवाई बैफी में एडमिशन लेना है तो आपका लास्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर डिग्री मतलब एफवा बैफी। तो आपको फर्स्ट डिग्री सेलेक्ट करना है। जैसे कोई टीवाई बैफी में एडमिशन ले रहा है तो उसको करना है एसवाई सेकेंड ईयर डिग्री, तो आपको करना है फर्स्ट ईयर डिग्री। तो आपका इसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है। अभी एसएनईटी यूनिवर्सिटी सबको मालूम पता है क्या है, तो एसएनईटी यूनिवर्सिटी सर इनको जरा जोर से बोल दीजिए, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी लिखना। हेलो हेलो, सब सुन रहे क्या मुझे। यस यस तो सर, लास्ट यस सर। लास्ट एग्जाम जो होगा वो आपका फर्स्ट ईयर डिग्री। ठीक है, और जो सेकेंड अभी जो बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है ना वो अपना कौन सा है, वो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है। हेलो, ओके सर, यस सर, यस। सब लोग लिख लो, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी वो टाइप करना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज मतलब अभी आप कौन सी कॉलेज में, आपको पता ओके है ओके कॉलेज का नाम क्या है। एमडी शाह महिला कॉलेज, एमडी शाह महिला हाँ, कॉलेज, श्री श्री एमडी शाह महिला कॉलेज। एमडी शाह महिला कॉलेज लिखना है, श्री एमडी शाह महिला कॉलेज। उसके बाद प्लेस, अभी अपने कॉलेज कौन सा, कॉलेज का प्लेस कौन सा है, मलाड। ठीक है, मलाड, तो ईयर ऑफ एडमिशन मतलब आपने लास्ट ईयर जो एडमिशन लिया वो कौन सा ईयर में लिया था, 2019। ठीक है, समझाना आपको सब लोग को। अरे सर 2017 में लिया रहेगा तू। लेकिन फर्स्ट ईयर तो अभी लास्ट ईयर है ना, हाँ, फर्स्ट ईयर तो अभी आपने क्लियर कब किया है, इस साल किया, इसका मतलब एडमिशन लास्ट ईयर लिया है। सर। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मतलब ये 2020 में होगा पासिंग ना। ठीक है, हाँ टोटल मार्क्स क्या है, देखो आपको सेमेस्टर वन का आपको रिजल्ट मिला होगा, या रिजल्ट मिलेगा नहीं तो मैं लिंक दूंगा, तो उसमें जितने भी आपके टोटल मार्क्स ना वो आपको ऐड करना है। मतलब सपोज ए सब्जेक्ट ए में क्या है, बी में क्या है, सी डी ई सबका टोटल करके जो भी होता है आपका, मतलब लमसम समझो 300 होता है, तो 300 तो आउट ऑफ कितना है आपका, समझो 5 सब्जेक्ट है ना तो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट शायद 500 होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो, हाँ बोलिए। सर, फर्स्ट सेमेस्टर का ही भरना है सिर्फ, पर हाँ, क्योंकि अभी तक सेमेस्टर 2 का तो आया नहीं रिजल्ट ना, आपको आया, आप लोगों को मिल सर गया मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का केटी क्या। हाँ चलेगा, देखो मैं बोल रहा हूँ जितना भी आपका मार्क्स है ना, समझो केटी में आपका है सर। 15 मार्क्स। रोहित सर, हाँ एक सेकेंड, रोहित सर ये बच्ची टीवाई बाफी की है तो इसको थर्ड सेमेस्टर का लिखना है ना सर, प्लीज इनको सही, समझाइए। वैसी में तो थर्ड टाइम का डालेंगे ना इधर। जो प्रीवियस मार्क डाला आपको प्रीवियस, ठीक है, जो अगर आप एसवा बैफी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको एफवा बैफी का डालना है, अगर आप टीवा बैफी का ले रहे हो तो आपको डालना है एसवा बैफी हाँ का, सर, सही का। वही समझ आ रहा है ना। सर, डालना है मार्क्स थर्ड हाँ, मार्क्स क्या है, देखो टाइम। आपके पास 5 सब्जेक्ट है ना, तो आपके जितने भी होता है मतलब समझो आपका सब में आप पास हो, किसी में आप फेल हो गए हो, तो फेल हुआ होगा तो आपको 15 मार्क्स आया है, तो वो टोटल में ऐड कर लो, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा वो। ठीक है, समझा क्या। सर नहीं टोटल मार्क्स सर, 500 आएगा, अपने नहीं लिस्ट का नहीं लिख दी। नेगेटिव वाले केसेस का वापस समझाइए। देखो समझो आपको उसमें ए में आप पास हो, ठीक है, बी ए में पास हो उसमें 30 मार्क आया, बी में आप पास हो उसमें 30 मार्क आया, सी में आप पास हो उसमें 30 मार्क आया, सी के बाद डी में आप पास हो उसमें भी 30 आया, लेकिन सी के बाद ई में आप फेल हो गए ना, ई में 15 मार्क आया, तो पूरा सबका टोटल सेम रहेगा, ए टू डी का प्लस ई, भले उसमें देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो जैसे आपने समझो ए सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ सर लास्ट ईयर मतलब एसवाई के दोनों सेमेस्टर का इंक्लूड करना है ना इसमें तो। एसवाई में आपके पास मिला, आपको सेमेस्टर 4 का मार्क्स मिला आपको, नहीं मिला है सर अभी तो, सिर्फ इसके लिए जो थर्ड का मिला डालना है। हाँ है वो ही डालो। ठीक है, तो ए सब्जेक्ट ए बी सी डी ई, ठीक है, अभी सब में आप पास हो, इसमें आपका 30 मार्क आया, ठीक
इसमें भी 30 मार्क आया, इसमें भी 30 मार्क आया, इसमें भी पास हो गए 30 मार्क आया, इसमें फेल हो गया ना 15 मार्क आया, ठीक है। तो टोटल करोगे ना तो सबका करो 30 + 30 + 30 + 30 + 15, ठीक है, समझा अभी? यस सर। हाँ तो पूरा टोटल कितना आएगा? 135 ठीक है। आपको एज्यूम कर समझे ना, ये तो मैं डेमो दिखाया आपको, जो आपका जो मार्क्स आया रहेगा ना रिजल्ट पे वो आपको कैलकुलेशन हाँ, करने का, ठीक है सर। लेकिन थर्ड सेम का वो क्या सर रिजल्ट नहीं है यहाँ पे, मैं गांव में हूँ सर। बात सुनो, क्या है ना, मैं आपको एक लिंक दूंगा व्हाट्सएप पे, वो लिंक पे आपको अपना पीआरएन नंबर है ना, पीआरएन नंबर वो डालोगे ना तो आपको अपने हाँ। आप आपका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कितना रिजल्ट है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। ओके सर। बट सर जो आप पीआरएन नंबर बोल रहे हो वो हम लोग लेके नहीं है, वो रिजल्ट पे ही शायद है ना। वो सब दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपको, वो उसका वेट करो, मीटिंग के बाद अपने आप आ जाएगा। समझो ये हो गया आपका, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा टोटल मार्क्स। सपोज आपका टोटल मार्क इतना हुआ है आउट ऑफ 500, सॉरी टोटल मार्क्स 500 है और कितना आया 250 आया, आपका गैप है तो आपको गैप करना है, और नहीं है तो नहीं। गैप मतलब समझे, गैप का क्या रीजन है? हाँ सर, जैसे एक साल करके उसके बाद हाँ। आपने 2018 में एडमिशन लिया था, लेकिन 2019 में आपने कुछ रीजन हुआ आपने कंटिन्यू किया, लेकिन आप कंटिन्यू अभी कर रहे हो ना, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद आपको आएगा आपका एजुकेशन डिटेल्स। अभी एजुकेशन डिटेल्स में क्या है, अभी आप 12th का, हेलो, यस सर, यस सर, हाँ, एग्जाम नेम, एग्जाम नेम क्या है, आप ऐसा बैफी भी कर सकते हो नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म, और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, एसएनईटी यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम सी एम डी सा महिला कॉलेज, सर एग्जाम नेम में टीवाई लिखना है कि जिसका एडमिशन करा रहे उसका लिखना है? अरे एग्जाम नेम मतलब जैसे एग्जाम कौन सा है, बैफी है या बीएमए जो भी आपका। हाँ ओके ओके, मतलब सर ये लास्ट ईयर का लिखना है कि जो अभी करने वाले उसका लिखना है एग्जाम नेम में? अभी क्वालिफाइंग किया ना, क्वालिफाइंग तो आपने कर लिया ना, हां आपने पास्ट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर का भरा, सो सर इसका मतलब टीवाई वाले एसवाई बैफी लिखेंगे और सेकंड ईयर में अभी जो आए हैं वो एफवाई बैफी लिखेंगे। हेलो, यस सर, हाँ अभी आप क्या हुआ तक एजुकेशन डिटेल में?
मेन क्या अभी मैंने कंफर्म किया ना, जो यहाँ भी आपको जो है आपने जो अभी कैसा है कि आपका रिजल्ट नहीं ना, तो इसके लिए आपको एफ वाई का मतलब प्रीवियस ईयर का, जैसे आपने अभी एस वाई बैफी में एडमिशन ले रहे हो ना तो हाँ एफ वाई बैफी ठीक है, और जो टी वाई बैफी में एडमिशन ले रहे हो तो उसको एस वाई बैफी का जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम में किया ना हम लोग ने, सेम यहाँ भी वही सेम इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। ओके ठीक है समझा। बात सुनो, जो अरे जो टी वाई बैफी के रहे ना उन लोग को एस वाई बैफी का भरना है। हाँ तो सर भाई यहाँ पे हम लोग एस वाई का डिटेल डालेंगे ना। हाँ ऐसा बोलो ना कि मैं टी वाई वाली बोल रही हूँ, मुझे क्या मालूम कौन बोल रहा है। तो हाँ सर हेलो, मैं जो कंसीडर मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ ना वो एस वाई बैफी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, इसके लिए मैं सब एफ वाई कर रहा हूँ, समझ लो क्या। ओके हम लोग को एस वाई यहाँ पे करना रहेगा, हम लोग टी वाई के हैं तो। हाँ तो टी वाई के वो एस वाई और जो एस वाई बैफी में एडमिशन ले रहे वो एफ वाई, समझे ना। ओके सर। हाँ तो ईयर ऑफ एडमिशन वो सेम 2019 में आपने एडमिशन लिया, डेट ऑफ पासिंग जो डेट अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप डाल सकते हो आज सुबह 15 का भी डाल सकते हो, 15 जुलाई का ऐसा कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है उसमें। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है 2020, सीट नंबर आपको आपके मार्कशीट पे मिल जाएगा जो दूंगा मैं आपको, जो भी है रहेगा ये मैं ऐसे कर रहा हूँ एज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे पास सीट नंबर नहीं है। पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिला होगा तो ठीक है, तो ब्लैंक छोड़ो ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ो ठीक है, इसको ब्लैंक रखेगा चलेगा कि लास्ट आपने हम लोग ने क्या किया क्वालिफाइंग एग्जाम में हमने डिटेल भर चुका है ना आपने, तो इसको आप ब्लैंक कर सकते हो। फिर यहाँ आपको ऑप्टेंस मार्क्स चाहिए, कितना आपने आया जो भी है 350 आया, कितने में से आया 500 में से आया, ये यहाँ ब्लैंक रखने। हेलो हाँ सर, वो HSC प्लस 2 विथ मैथ से वो कैसे करना है, मतलब ये ऐसे रखना है कि नो करना है TY वालों को? ये आप लोगों को नो करना है, क्योंकि क्या है ना कि ये जब जो आदमी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा ना मतलब एफ वाई बैफी में तो उसको ये तो उसके लिए ये ऑप्शन है एक्चुअली, तो ये जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ले रहा है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी ये सॉफ्टवेयर में है तो इसके लिए जो स्टार मार्क्स दिया हुआ है वो फिलअप करना है ठीक है, समझे। डेट ऑफ पासिंग कैसा, देखो अभी रिजल्ट आया नहीं है तो आप जुलाई ले मत करो, चलेगा डिलीट करो, उसमें लिखा स्टार नहीं दिया ना। हाँ ठीक है तो पूरी नहीं करेंगे। स्टार स्टार तीन भरना है इसमें, ये और ये और ये, समझा ना। हाँ। सर पर इसमें भी वापस थर्ड सेम का ही मार्क्स डालेंगे जो पहले डाला था। थर्ड सेम के, हाँ सेम थर्ड के ठीक है, चलो फॉरवर्ड करो नेक्स्ट करो। यस सर, अभी ये नेक्स्ट आ गया ठीक है। अब यहाँ मेन कैसा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है तो आपको अपलोड करने आता है, आप लोग कैसे करते हैं अपलोड? सर एक मिनट, आता है सर। सर बट हम लोगों ने तो थर्ड सेमेस्टर तो 2019 में क्लियर किया था, तो मतलब हम लोग कैसे डालेंगे 2020 कैसे डालेंगे? आप जो टी वाई बैफी में जो एडमिशन ले रहे हैं ना उसको हाँ, बैफी करना है। हाँ सर एस वाई बैफी डालेंगे बट अपने पास फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, अपन थर्ड सेमेस्टर का डाल रहे हैं ना, तो थर्ड सेमेस्टर का डालेंगे तो 2019 पासिंग ईयर लिखेंगे ना। नहीं नहीं वो इसको पासिंग ईयर भी रहेगा, वो थर्ड और फोर्थ का पासिंग ईयर 2020 ही रहेगा। ओके क्योंकि हमारे पास रिजल्ट नहीं है ना, इसके लिए हम लोग सेमेस्टर थर्ड का ही भर रहे हैं, समझेगा। हाँ सर हाँ, उसको कंसीडर करोगे वो सेकंड ईयर का रिजल्ट हो गया, ऐसा कंसीडर कर लो उसको ठीक है। वो आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपके जो स्कैन करके आप रख सकते हो मोबाइल लैपटॉप पे मोबाइल पे जो भी है, ज्यादा है
जाओ जाओ मेरे पास आधार कार्ड नहीं है इसके लिए मैं कोई डमी आधार कार्ड डाउनलोड करता हूँ उसके लिए ऊपर ऐसे बंद कर देना हेलो हेलो सब सुन रहे क्या डमी आधार कार्ड डाउनलोड किया है कि आप लोगों को आपका जो आधार कार्ड है वो स्कैनिंग करना है या आप मोबाइल से फोटो ले सकते हो ठीक है तो उसको अपलोड करके या ऐड पे क्लिक करना है जब ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिखेगा कि आधार कार्ड आपका अपलोड हो गया है सर ये जेपीजी क्या है जेपीजी हाँ तो क्या है देखो जब हम लोग कोई फोटो लेते ना फोटो तो उसका फॉर्मेट बनता है कोई जेपीजी बनता है कोई जेपीजी बनता है जेआईएफ बनता है पीएनजी बनता है पीडीएफ बनता है तो मोस्टली हम लोग जो फोटो मोबाइल से लेते हैं ना तो जेपीजी बनता है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ठीक है समझा अभी ओके सर फॉर्मेट होता है फॉर्मेट ये कौन सा फॉर्मेट है सर तो आपको अगर नहीं समझा ना आप फोटो पे राइट क्लिक करोगे ना और समझेगा कि आपको क्या कौन सा डॉक्यूमेंट करता हूँ ये फोटो है राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में गए लिखा इधर जेपीजी दिखा दिख रहा है ये आपको yes, sir. तो ऐसा आपको आप देख सकते हो ओके सर ठीक है कि आपने ऐड कर लिया फिर आपको वैसे आपका 12th का मार्कशीट वो ऐड करने का है और 10th का मार्कशीट वो ऐड करने का है और फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास वो मैं लिंक दूंगा वहां से आपको कॉपी करके जो भी है वो भी ऐड करना है सर हाँ बोलिए रिजल्ट मेरा मुंबई में है तो मैं क्या कर सकती हूँ वो तो कंपल्सरी है कोई रहेगा घर पे है कोई सर कोई नहीं है सब यहाँ पे आए हैं ओके तो कुछ भी सीट नंबर मालूम है उसका 12th का 10th का सर याद भी नहीं है सर नेक्स्ट मंथ में जाऊंगी मैं तो ठीक है वो देखो मैं पूछता हूँ मैं क्या है उसके बारे में सपोज जिसके पास नहीं रहेगा तो उसके लिए मैं मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे ठीक है अभी तक देख लो बस कैसे फिलअप करना है समझा ना अभी आपको आधार कार्ड आपका 12th मार्क्स सेम प्रोसीजर करना है ऐड करना है बोलिए सर सिर्फ आधार कार्ड ही तो ऐड कर सकते हैं ना जरूरी नहीं है ना कि सारे सर्टिफिकेट ऐड करें स्टार लिखा है नहीं सर नहीं है उसके ऊपर सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर स्टार है मैं वही इसके लिए बोल रहा हूँ समझो आपके पास है तो डालो और नहीं है तो गलत में डालो ऐसा है तो आधार कार्ड कंपलसरी किया वो आपने ऐड कर दिया ठीक है फिर सेव और नेक्स्ट क्लिक करना है तो सर पूछने का मतलब यही था कि सिर्फ आधार कार्ड फिलहाल के लिए अटैच कर दिया तो चलेगा जिसके पास होगा ना तो वो कर सकता है तो क्या होता है कि समझो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग का इजी रहेगा ना उसका डिटेल निकालने के लिए और जिसके पास नहीं है तो वो स्किप कर सकता है उसके लिए ठीक है समझा गया सबको
ट्वेल्थ का मार्कशीट देना है ना सर? हाँ अगर होगा ना तो, नहीं तो लेकिन ओनली आधार कार्ड। अब एक काम करो वो सब भूल जाओ, आधार कार्ड है आपके पास ना, तो ओनली आधार कार्ड अपलोड करो, ठीक है? यस सर। ठीक है, आधार कार्ड अपलोड किया तो बाद में नेक्स्ट स्टेप करोगे सेव तो ये आएगा, इसमें आपका मीडियम कौन सा है, तो मीडियम सबका इंग्लिश है सबको मालूम है। सब में इसमें प्रॉब्लम आ रहा है सबको ना इसपे? हाँ सर, इसके आगे हो रही है। यस सर, इसमें ही आ रहा है। सर यही हो रहा है। हाँ बात सुनिए, एक प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक ना ये पोर्टल में अपना सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है, समझे? तो क्या करें? अभी वो काम चालू है सर, अभी गए काम चालू है उसमें, तो जैसे करेंगे ना तो आगे का प्रोसीजर हो जाएगा। तब तक आप लोग जो है एटलीस्ट सब्जेक्ट डिटेल तक डॉक्यूमेंट फिलअप करो, ठीक है सर? इतना तो किया है, इतना किया है तो भी वेट कर लो, सर काम कर रहे हैं। जैसे आप इधर क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे सब्जेक्ट का नाम आएगा ना, ओके सब्जेक्ट का नाम आएगा तो क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फॉर्म आगे बढ़ेगा। अगर हमें तो बैंक जाने का है, हेलो तो इधर तक मतलब हम है सर अभी ना? हाँ अभी तक आप लोग जो है ना ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स तक ही ऐड करो, जो भी फिलअप करो फॉर्म, और उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे आपको दूंगा कि सब्जेक्ट ऐड हो चुका है ना। हेलो हाँ सर, सब लोग को समझा यहाँ तक? समझा हाँ सर, यस सर। इसके बाद हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते क्योंकि ना सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है ना, ये सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा नीचे जो है नीचे, यहाँ ऐसा यहाँ सब सब्जेक्ट का नाम नाम सब्जेक्ट कोड सब ऐसा आएगा यहाँ ऑटोमेटिक, ठीक है? पर सर कोई कोई बोल रहे तो हो गया उन लोग का, तो किसका किसका? हाँ हो गया, हो गया किसका किसका हो गया? वो हमारे क्लास में प्रीति उसका भी हो गया। हाँ मैं इसको पूछ रहा हूँ, दिशा मिस से पूछ, वो हुआ है दो तीन लोग का सर, जिन लोग का हो गया है वो लोग मीटिंग अटेंड भी नहीं किए बट उनका हो गया है, तो सर अब मतलब क्या है उनका, क्या उनको वापस? टीवी वाले थे क्या? टीवी वाले नहीं सर, हमारी क्लास के थे एसवाई वाले। अरे भाई अभी तो टीवी बाफी में आएंगे ना, वाले टीवी वाले ही थे वाले थे क्या? हाँ सर अभी टीवी में आए वो लोग। हाँ तो वो टीवी में आए ना, तो अभी जो आप टीवी में एडमिशन ले रहे हो ना तो टीवी वाले के शायद ये आया रहेगा, क्या है ना मैं एसवाई का बता रहा हूँ ना, एसवाई का नहीं दिख रहा है सर, हम लोग का ऐसे ही आ रहे हैं सर, हम लोग का भी ऐसे ही आ रहे टीवी वालों का सर। सर किसी किसी का नहीं हुआ है, एक सेकेंड रुको मैं बात कर रही हूँ, एक सेकेंड मैं बोल रही हूँ सर कि जिसका हुआ है उनका अपने आप हुआ है, मतलब ये चीज उनको पहले आ रही थी फिर एक दो बार उन्होंने ट्राई किया तो अपने आप ये चली गई, और विदाउट ये सब्जेक्ट का फॉर्म की फिल किए हुए ही उनका फॉर्म आगे बढ़ गया और आगे का उन्होंने जो भी कर लिया। और एक बात सर, आगे ना उन्होंने फोटो भी प्रॉपरली अपलोड किया है, जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे क्या क्या स्टेप्स है अपने, राइट? तो अभी हम लोग सब्जेक्ट डिटेल के स्टेज पे है, उसके बाद इन्होंने फोटो भी अपलोड किए, इन्होंने सिग्नेचर भी अपलोड किए बट इन्होंने पेमेंट नहीं करी है, तो मुझे ये भी पूछना है कि विदाउट पेमेंट इनका जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो वैलिड रजिस्ट्रेशन है या वो इनवैलिड है? जिन बच्चों का पीडीएफ तैयार है, मतलब फॉर्म रजिस्टर्ड सक्सेसफुली इन टीवाई बैफी, उनको मैसेज भी आ गया है, उनको पीडीएफ भी जनरेट हो गया है और पीडीएफ में उनकी फोटो साइन सब दिख भी रही है बट उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं करी हुई है, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन गलत कहलाएगा? सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ मैम, कैसे समझो उन्होंने फॉर्म भर दिया, स्टूडेंट ने अपना काम कर दिया फॉर्म भरने का, लेकिन क्या कि जब मेरे पास फॉर्म आएगा ना तो मेरे को मुझे मालूम पड़ेगा कि ये बंदे ने फॉर्म नहीं भरा, पैसा नहीं भरा है ना, तो उसका मतलब उसको मतलब फर्दर स्टेप जो होता है ना आगे का स्टेप वो उस पर हो नहीं पाएगा, मतलब उसको एडमिशन उसका सक्सेसफुली नहीं आएगा। हाँ सर समझ रही हूँ, जी जी समझ रही हूँ। अगर उसने पेमेंट नहीं किया ना तो उसको मैसेज नहीं आएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप का, मतलब
सर बट इनको कुछ एसएमएस जैसा कुछ आया तो है कि रजिस्टर हो गया है, उन्होंने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वो यहाँ तक नहीं आएगा। इसे अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो आपने कोई कॉलेज में गए फॉर्म लेके, फॉर्म आपने सबमिट कर दिया काउंटर पे, लेकिन फीस नहीं भरा, तो वो क्या करेगा, वो फॉर्म लेके साइड रख देगा ना, उसको कंसिडर करेगा क्या वो एडमिशन हो गया उसका, नहीं करेगा। सर अभी इसका इलाज क्या करना है, मुझे उनको भी तो जवाब देना है जो चार पांच बच्चों का हो गया है। हाँ तो उनको पूरा पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, मेक पेमेंट करके पेमेंट करना ही होगा 50 रुपीज। तो सर सेम लॉगिन करना है या पूरा प्रोसीजर स्टार्ट से करना है? सेम लॉगिन, सेम यूजर नेम आईडी से करोगे ना, सेम आपको फॉर्म मिलेगा फिर से। तो कहाँ से उनको फॉर्म दोबारा भरना है? हेलो समझो आपके पास आपका फॉर्म हो गया, आपको कल करना है, तो आपको सेम जाना है अपने सीएमडी सामेला कॉलेज की वेबसाइट पे। सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए, सेम आप जाओगे ना वहाँ डिग्री कॉलेज पे क्लिक करोगे ना, तो आपको जो यूजर ने पासवर्ड दिया ना यहाँ आपको फिलअप करना है सेम, जब आप फिलअप करोगे आपका सेम वही फॉर्म फिर से खुलेगा, फिर से खुल जाएगा फॉर्म। सर इनको प्लीज बोल दीजिए कि यूजर आईडी और पासवर्ड खुद क्रिएट करना है और खुद संभालना है। आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड जो है ना आपको खुद क्रिएट करना है और खुद संभालना भी, आपको मैसेज भी आएगा वो यूजर नेम पासवर्ड का, तो वो संभाल के रखो, अगर वो बन जाएगा तो एक स्टेप बढ़ जाता है। तो आप लोगों को समझा अभी सर? हाँ सर, बट पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट आपके पास सर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे? जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है? नहीं सर कुछ नहीं है। डेबिट कार्ड नहीं, किसका रहेगा घर पे, मम्मी का, पापा का, भाई का, किसका तो रहेगा? हाँ भाई का है ना, पापा का। जब आप मेक पेमेंट में करोगे ना तो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपके पास डेबिट कार्ड है कि एनएफटी है, ऐसा भी है, तो आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है डेबिट कार्ड करो, एनएफटी करना है तो एनएफटी करो, तो आप किसी के अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट चाहिए, आप किसके अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। ओके okay, आपको किसके तो रहेगा, किसी कोई फ्रेंड, कोई पापा मम्मी भाई, किसके पास तो रहेगा? हाँ सर 50 रुपए तो कर देंगे। हाँ जब आप बट सर कौन से लिंक से सेंड करना है मनी, कौन से लिंक से ट्रांसफर करना है? ऑटोमेटिक आएगा, लिंक नहीं करना है, ऑटोमेटिक आएगा आपको, आपको ऑटोमेटिक आप करोगे ना लिंक नहीं आएगा, आपको बोलेगा पे करो। अरे आप लोग अभी तक आपने जितना बताया उतने पे ही आके हम लोगों का अभी स्टॉप हो गया है।